Everyone, welcome to the 10th tutorial of MySQL. Today we are going to talk about functions in MySQL. देखते हैं functions basically क्या होते हैं MySQL के अंदर. Functions are set of commands. हम actually MySQL में जब भी हमको काम करवाना होता है, तो we are entering commands. SQL is a structured query language. तो उसमें commands होते हैं. तो जब भी आपको MySQL से काम करवाना है, आप इंटरप्रेटर के ऊपर कमांड लाइन इंटरप्रेटर के ऊपर कमांड लिखते हैं, फिर MySQL उसको एग्जीक्यूट करता है, देन यू आर अगेन राइटिंग अ कमांड, देन अगेन इट इज एग्जीक्यूटिंग. तो जब भी हम इस तरह से जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, यूजर का सिस्टम के सामने बैठे होना कंपलसरी होता है. तो क्या किया जाए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इवन इफ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर इज गोइंग टू वर्क, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली इन SQL, कोई भी लैंग्वेज हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पर हम लोग वी आर गोइंग टू क्रिएट सेट ऑफ कमांड्स. सेट ऑफ कमांड्स मतलब ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं जो जनरली प्रोसीजरल होते हैं नेचर में, जिसमें हम स्टेप्स लिखते हैं कि पहले यूजर कंप्यूटर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा. सो वी आर राइटिंग सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम उन सेट ऑफ कमांड्स को एक ही यूनिट में इंक्लूज कर देते हैं एंड वी कॉल इट फंक्शन. तो सिस्टम में जब भी आपको कंप्यूटर से काम करवाना है, तो हम यहाँ पर फंक्शंस को क्रिएट करते हैं. तो फंक्शंस का डेफिनेशन कैसे फ्रेम आउट करेंगे, तो फंक्शंस आर सेट ऑफ कमांड्स विच आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. और ऑब्वियसली जब फंक्शन काम करता है तो यूजर से वो इनपुट लेता है, और उस इनपुट को हम यहाँ पर कहते हैं आर्ग्यूमेंट. सो functions takes argument from user, उसके बाद वो data को process करते हैं, और process करने के बाद user को वो output return करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा complete definition बनता है function का, that will be set of commands used to perform some specific task, takes input as argument and returns output. So this is a definition of function. और function की जो basic पहचान होती है, that is the small parentheses. Mostly आपको functions के पीछे मतलब कोई भी वर्ड होगा जो है जिससे हम फंक्शन का नाम बोलते हैं. सपोज आई हैव अ वर्ड एज SQRT, तो मेरे पास सपोज फंक्शन का नाम है SQRT, उसके पीछे मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस लगा दिया. सो दिस स्मॉल पैरेंथेसिस, छोटे ब्रैकेट्स जो हैं, दे आर कंसीडर्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन. तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस में अगर किसी शब्द के पीछे छोटे ब्रैकेट्स दिखाई दें, इसका मतलब है कि वो चीज़ फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है तो वो कुछ काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो आपसे इनपुट लेगा, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग. तो चलिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन MySQL. तो MySQL में फंक्शंस को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज इनबिल्ट फंक्शंस, एंड द सेकंड वन इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी MySQL ने हमें क्रिएट करके दिए हैं, हम सिर्फ उनका उपयोग करेंगे. यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए. और अगर हम आईपी की कोर्स की बात करें 11 12th के अंदर, सो वी डोंट हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन आवर सिलेबस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. हमें MySQL की सीरीज में लेटर ऑन इस टॉपिक पर और डिस्कस करूंगी, जब मैं MySQL को या SQL को फर्दर पढ़ाऊंगी, PL SQL जब हम पढ़ेंगे, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. अभी आईपी के पर्पज से हम सिर्फ इनबिल्ट फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं. तो इनबिल्ट फंक्शंस को फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज कंसीडर्ड एज सिंगल रो फंक्शंस, एंड द सेकंड कैटेगरी इज कंसीडर्ड एज मल्टी रो फंक्शंस. सिंगल रो फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो टेबल की हर एक रो के लिए अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग 11th क्लास विथ यू, तो मैंने आपको एक टास्क परफॉर्म किया जो हर बच्चे को इंडिविजुअली परफॉर्म करना है. मैंने आपको कोई असाइनमेंट दे दिया. अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आप उस असाइनमेंट की जो 50 कॉपीज हैं मेरे पास सबमिट होकर आएंगी. तो सिंगल रो फंक्शन के साथ भी ऐसा ही होता है. ये वो फंक्शन होता है जो टेबल की हर रो के लिए सेपरेटली रन होता है. तो अगर टेबल में 5 रोज हैं, तो यू विल बी गेटिंग 5 आउटपुट्स. टेबल में अगर 10 रोज हैं, देन यू विल बी गेटिंग 10 आउटपुट्स. तो सिंगल रो फंक्शंस के आउटपुट हमेशा मल्टीपल आते हैं, अगर आपने उसमें ग्रुप ऑफ रोज मल्टीपल वैल्यूज पास की हैं तो. Then second category is considered as multi-row functions. Multi-row functions जो रहते हैं, ये group of rows के लिए execute होते हैं, they are going to return single result. This is some function होता है. Some is an example of multi-row functions. आपने एक cost नाम का कोई कॉलम है, उसको यहाँ पे पास किया, तो cost में अगर आपने suppose 7 rows पास किए,
तो सम फंक्शन उन सबको सम अप करके एक रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन, 11th क्लास में मैंने आपको कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करने को दिया जो पूरी क्लास को एक ही बार करना है, जैसे आपको अपना डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेट करना है या आपको कोई जो है वो कोई मॉडल बना के देना है क्लास की तरफ से। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे तो मल्टीपल लोग काम करेंगे पर रिजल्ट एक ही आता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शंस के अंदर, कि सिंगल रो फंक्शंस में हमेशा मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, वेयर इज मल्टी रो फंक्शंस हमेशा आपको सिंगल रिजल्ट्स देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंगल रो फंक्शंस इन डिटेल। सिंगल रो फंक्शंस को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है MySQL में। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग फंक्शंस, सेकंड होता है इफ फंक्शन, थर्ड जो होता है वो होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हैं। मैंने पहले भी बताया है स्ट्रिंग्स वो वैल्यूज होती हैं जिसको हम या तो सिंगल कोट्स में डालते हैं या फिर हम डबल कोट्स में डालते हैं। तो अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स की कॉम्बिनेशंस को अगर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल रखा है या डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल रखा है तो उसे हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। और इन वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए जो फंक्शंस काम में आते हैं उनको हमने स्ट्रिंग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। सेकेंड होता है न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो नंबर्स पे काम करते हैं। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो ये सारे फंक्शंस न्यूमेरिक कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। इन द सेम वे डेट एंड टाइम को प्रोसेस करने से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शंस। सो लेट्स बिगिन विद स्ट्रिंग फंक्शंस फर्स्ट। स्ट्रिंग फंक्शन में पहला फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ASCII फंक्शन। ASCII फंक्शन आपसे एक कैरेक्टर वैल्यू लेता है और उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करता है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक एनकोडिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स रखे हुए हैं उन सबको कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट इंटीजर वैल्यू ऑलरेडी असाइन की गई है। तो जब भी आप कोई कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो सिस्टम उसके करस्पॉन्डिंग उसकी ASCII वैल्यू पढ़ता है, फिर तो उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको एनकोड किया जाता है, एनकोड और डिकोड किया जाता है। तो ASCII कैरेक्टर्स होते हैं एंड ASCII फंक्शन क्या करने वाला है, आपसे एक कैरेक्टर लेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं MySQL prompt पर। सो दिस इज MySQL prompt और यहाँ पर जाकर मैंने ASCII फंक्शन यूज़ किया। ASCII फंक्शन आपसे इनपुट में कोई कैरेक्टर लेता है तो मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ए डाल दिया है। अब ASCII फंक्शन तो कैरेक्टर की इस ASCII वैल्यू रिटर्न कर देगा, बट इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट का यूज़ हम यहाँ डिस्प्ले के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन प्रेस किया मैंने, एंटर की, तो द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65। इन द सेम वे आप कोई दूसरा कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्लस साइन पास किया, एंटर की प्रेस किया, तो 43 इज द ASCII वैल्यू फॉर प्लस कैरेक्टर। सो दिस इज द वे वी कैन एग्जीक्यूट दिस फंक्शन ASCII। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज अपर फंक्शन। अपर फंक्शन एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अपर फंक्शन का काम होता है जो भी कैरेक्टर उसके अंदर पास किए जाते हैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट करता है। इसका भी हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट, देन आई एम यूजिंग द फंक्शन अपर, और अपर के जो छोटे ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम गए और मैंने यहाँ पे दिस इज माय फंक्शन, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट मैंने छोटे लेटर्स में लिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर की, तो अपर फंक्शन ने सारे ही कंटेंट को कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर जो है कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर दिया है। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ अपर फंक्शन। अब ये जो मैंने अपर फंक्शन आपके सामने यूज किया है, आई एम यूजिंग इट विदाउट एनी टेबल। मैंने यहाँ पे किसी टेबल का यूसेज नहीं किया, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्यों कहा, बिकॉज दिस वैल्यू इज एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। तो अगर ये वैल्यू आपने सिंगल कोट्स में डाल रखी है या डबल कोट्स में डाल रखी है सो इट इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग, अ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, और आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स में। सेम चीज अगर आप टेबल के साथ में यूज करेंगे, तो टेबल के साथ में यूज करने के लिए मैं यहाँ पर मेरा डेटाबेस यूज कर रही हूँ, दैट इज यूज वर्षा मैंने लिखा, और इसके अंदर मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है दैट इज प्रोडक्ट्स टेबल। पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने इसी को टारगेट करके काम किया था, तो मैंने यहाँ पे टेबल प्रोडक्ट्स का कंटेंट आपको डिस्प्ले करवाया। अब इसमें मेरे पास दो तीन कैरेक्टर फील्ड्स हैं,
pname company and details, उनमें से मैं किसी भी फील्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके स्क्रीन पर प्रिंट कर लेती हूँ। मैं यहाँ pname को कैपिटल लेटर में प्रिंट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लिखा। pname को कैपिटल लेटर में प्रिंट करने के लिए हमने अपर फंक्शन का यूज किया एंड देन वी आर गोइंग टू राइट pname। इसके पहले अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करवाने होते थे तो मेरी क्वेरी जाती थी सिलेक्ट pname फ्रॉम प्रोडक्ट्स। नाउ सिंस आई वॉन्ट टू प्रिंट pname इन कैपिटल लेटर्स, pname मतलब प्रोडक्ट्स नेम के अंदर जो वैल्यूज हैं मुझे अगर उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया है एंड यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर कि मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज नहीं किया है। दिस इज अ कॉलम नेम, अगर ये वैल्यू होती तो मैं इसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करती, बट दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम। तो मैंने यहाँ पे इसको अपर केस में लिखा है और मैंने यहाँ एंटर की प्रेस की। यू विल फाइंड कि सबसे पहली रो की जो वैल्यू है pname, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर। फिर सेकंड रो की वैल्यू कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हुई है। देन थर्ड रो की जो वैल्यू वो कैपिटल में कन्वर्ट हुई है। फोर्थ रो में इरेजर था तो इरेजर कन्वर्ट हो गया है, और फिफ्थ रो में भी इरेजर था तो इरेजर इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर। अगेन मैं इस एग्जाम्पल इसी के साथ अपर के साथ एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट कंपनी इनटू कैपिटल। तो मैंने यहाँ कंपनी लिखा, तो आप देखिए सारी कंपनीज जो है कैपिटल में कन्वर्ट हो गई हैं। ओके, तो जब आप किसी कॉलम की वैल्यूज को कन्वर्शन करते हैं तो टेबल में जितनी रोज होती हैं उतने आउटपुट्स आपको यहाँ पर आते हैं। तो टेबल्स के साथ में सिंगल रो फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इस कॉलम के नाम को किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देती हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू वैल्यू, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वर्ड कंपनी इन आइदर सिंगल कोट्स और इन डबल कोट्स। अब आप देखिए इसका एग्जीक्यूशन, तो अपर केस में तो कंपनी कन्वर्ट हुआ है, कंपनी इज अ वर्ड, नाउ इट्स नॉट अ कॉलम, तो वर्ड कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अपर केस, बट हाउ मेनी टाइम्स, 5 times। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग द टेबल प्रोडक्ट्स, तो टेबल प्रोडक्ट्स में जितनी रोज होंगी उतनी बार मेरे रिजल्ट्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द वे दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। देन नेक्स्ट फंक्शन इज द लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ अपर फंक्शन। लोअर फंक्शन के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर अगर उसके अंदर पास करेंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको अपर केस के साथ दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल आप वर्ड अपर चेंज करके लोअर में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। तो ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं, यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो ये तीन फंक्शन हमने यहाँ पढ़े। द नेक्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ट्रिम फंक्शन। ट्रिम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिमूव करना, काटना। तो ट्रिम फंक्शन जो रहता है उसका काम आइसक्रीम में क्या होता है, इसके अंदर आप किसी भी कैरेक्टर को गिवन स्ट्रिंग में से रिमूव कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है, तो वी हैव दिस सिंटेक्स ओवर हियर। इस सिंटेक्स के अंदर पहला वाला जो आर्गुमेंट पास किया गया है वो ये है, लीडिंग ट्रेलिंग बोथ। मतलब इन तीनों शब्दों में से कोई आप एक ही शब्द यूज करेंगे, तो लीडिंग ट्रेलिंग बोथ क्या काम करेगा, बेसिकली आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग में से अगर आपको स्टार्टिंग में से किसी कैरेक्टर को रिमूव करना है तो हम शब्द लीडिंग का यूज करेंगे, अगर आपको पीछे से रिमूव करना है तो हम यहाँ पे शब्द यूज करेंगे ट्रेलिंग, और अगर आपको दोनों ही तरफ से शब्दों कैरेक्टर्स को रिमूव करना है देन वी आर गोइंग टू यूज द ऑप्शन बोथ। तो ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट पास होगा ट्रिम फंक्शन के अंदर। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो आपको हटाना है, आपको स्टार हटाना है, आपको जो भी कुछ हटाना है, स्टार हटाना है, आपको हैश हटाना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे कैरेक्टर सेक्शन के अंदर। कहाँ से हटाना है वो स्ट्रिंग आप कहाँ पर देने वाले हैं, सो दैट विल बी स्पेसिफाइड ओवर हियर विद द ऑप्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेनली तीन ऑप्शंस आते हैं, कहाँ से हटाना है, क्या हटाना है, देन फ्रॉम कीवर्ड विल कम एंड देन स्ट्रिंग। इसको मैं यूज करके आपको बताती हूँ MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर। हम यहाँ पर गए और इसके अंदर जाकर मैंने लिखा सिलेक्ट, देन आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रिम ओवर हियर, एंड देन मैंने यहाँ पे यूज किया लीडिंग, सबसे पहले मैं लीडिंग यूज कर रही हूँ। देन सेकेंड वाला जो पोर्शन था दैट वॉज कैरेक्टर, कैरेक्टर में आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अभी स्टार ले लिया है। देन कहाँ से हटाना है तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेती हूँ, मैंने स्ट्रिंग कुछ इस तरह से बनाया,
एग्जाम्पल पुश लगा दिया मैं पुश जेनिटर पुटिंग अ सेमीकोलन होगा यार मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया बट यू विल फाइंड कि यहाँ से स्टार स्टार जो है वो रिमूव हो गए। अच्छा MySQL जब आउटपुट देता है ना आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है आपको ऐसे ही कॉलम बना के आउटपुट देना है। तो जब आउटपुट्स आते हैं तो ये जो नीचे वाली रो होती है इसमें तो आपको आउटपुट दिखता है, ऊपर वाला जो आपको रो नजर आता है यहाँ पे जो शब्द आता है वो वही आता है जो आप बेसिकली क्वेरी कर रहे हो उस टेक के साथ में। तो एज इट इज रिटन हुआ है। अब मेरे केस में इतना लंबा सा मैंने शब्द दिया हुआ है तो वो इतना लंबा शब्द यहाँ प्रिंट कर रहा है। अगर आपको इस कॉलम के नाम को छोटा करना है ये ट्रिम लीडिंग स्टार फ्रॉम इतना लंबा सा जो शब्द आ रहा है इसको आपको छोटे से कॉलम के नाम में चेंज करना है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे दैट टर्म इज नोन एज कॉलम एलियास। कॉलम एलियास बेसिकली क्या होते हैं दे आर द ऑल्टरनेट नेम्स गिवन टू योर कॉलम्स। आपके कॉलम को जो ऑल्टरनेट नेम दिए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम एलियास। तो यहाँ पर कॉलम एलियास हम कैसे देने वाले हैं तो द वे टू गिव द कॉलम एलियास इज मैंने ऊपर वाला कमांड एज इट इज अपर एरो की से ले लिया देन आई विल राइट द वर्ड एज ओवर हियर ASS शब्द लिखा मैंने और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप यहाँ पे नए कॉलम का नाम दे दीजिए। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं कॉल वन कॉलम वन ABCD XYZ जो भी कॉलम का नाम आप देना चाहें देने मैंने कॉल वन नाम दिया है प्रेसिंग एंटर की व्हाट डिफरेंस यू विल फाइंड ओवर हियर इन द प्रीवियस कमांड आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये पूरा के पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहा था। नाउ दिस होल स्टेटमेंट इज रिप्लेस बाय द वर्ड कॉल वन सो वॉट इज कॉल वन इट इज अ कॉलम एलियास अनदर नेम दैट इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो इस तरह से यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन होगा। वापस से हम प्रिंट पे आ जाते हैं तो लीडिंग मैंने यहाँ लिखा है इसने स्टार्टिंग के तीनों स्टार्स जो हैं वो रिमूव कर दिए तो ये कैरेक्टर हो गया लीडिंग के साथ में। आई एम गोइंग टू चेंज दिस फंक्शन इन टू ट्रेलिंग नाउ तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेलिंग स्टार फ्रॉम ओके ट्रेलिंग का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पर सो आई एम गोइंग टू पुट ट्रेलिंग ओवर हियर और मैंने फिर एंटर की प्रेस किया तो आप देखिए मेरी स्ट्रिंग में पीछे से स्टार्स जो हैं वो रिमूव होकर आ रहे तो दिस इज द वे वी कैन यूज दिस ट्रेलिंग फंक्शन और इसी के अंदर मैंने ट्रेलिंग को हटाया एंड देन आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ बोथ कीवर्ड मैंने बोथ लिखा है तो बोथ में आगे और पीछे दोनों की तरफ से स्टार्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बीच के स्टार्स रिमूव नहीं होंगे उसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। आगे के स्टार्स रिमूव हो गए हैं एंड देन पीछे के स्टार्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं तो दिस इज द वे वी कैन रिमूव द स्टार्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अच्छा एक और चीज इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर बोथ आर्ग्यूमेंट नहीं भी लिखती हूँ इफ आई एम नॉट गोइंग टू राइट बोथ आर्ग्यूमेंट ओवर हियर तो जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया तो भी ये दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स को रिमूव करता है मतलब बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्रिम फंक्शन इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ बोथ आर्ग्यूमेंट लीडिंग ट्रेलिंग बोथ में से अगर आपने तीनों का यूसेज नहीं किया है तो ट्रिम फंक्शन उसको बोथ समझकर काम करता है। ओके नाउ वन मोर थिंग मैंने यहाँ पर ये फंक्शन ले लिया अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर ही नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि क्या रिमूव करना है तो इफ आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर व्हाट ट्रिम फंक्शन इज गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू रिमूव स्पेसेस। तो इन केस ऑफ ट्रिम फंक्शन इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग विच कैरेक्टर इज टू बी रिमूव्ड ट्रिम फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिमूव्स स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। मैं आपको ये करके बताती हूँ पहले मैं यहाँ से ट्रिम हटा देती हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट सर्टेन स्पेसेस इन माई स्ट्रिंग ये मैंने स्ट्रिंग लिया और मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस डाल दी हैं आगे भी और पीछे पुटिंग सम स्पेसेस क्लोजिंग द स्ट्रिंग और मैंने इसको यहाँ पर एंटर की प्रेस किया। अब आप देखिए मेरा ये जो आउटपुट आ रहा है इसके अंदर यस ये मेरा जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आपको स्पेसेस दिखाई देंगे एक्स्ट्रा स्पेसेस हेयर एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस हेयर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सेम कमांड विद द ट्रिम फंक्शन और ट्रिम में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया ना तो लीडिंग ट्रेलिंग बोथ ना मैंने यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिफाई किया ना व्हाट विल हैपन हुआ है तो आप देखिए यहाँ से स्पेसेस गायब हुई और यहाँ से स्पेसेस गायब हुई हैं जो आपको पिछले आउटपुट में दिखाई दे रही थी। तो ट्रिम फंक्शन में अगर आपने कैरेक्टर नहीं दिया है तो वो स्पेसेस रिमूव करता है दोनों तरफ से। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एल ट्रिम फंक्शन मीन्स लेफ्ट ट्रिम फंक्शन
removes the spaces from left side of the string, and same is the usage of rtrim function. Rtrim right side से spaces remove करेगा string में से. इसको हम use करके देख लेते हैं. तो यहाँ पर जाकर मैंने trim की जगह पर ले लिया ltrim and pressing enter key over here. Then you will find कि यहाँ से तो space remove हुआ है पर यहाँ से space remove नहीं हुआ है. In the same way, if I am going to change this ltrim into rtrim, then you will find the difference over here. यहाँ पे इसको मैंने enter key press किया तो देखिए यहाँ लेफ्ट में तो स्पेस आ रहा है बट राइट का स्पेस रिमूव हो गया. तो rtrim फंक्शन रिमूव्स स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज द लेफ्ट फंक्शन. लेफ्ट फंक्शन बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. तो अगर आपको किसी स्ट्रिंग में से लेफ्ट की तरफ से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाहर निकालने हैं, अलग से रखने हैं, देन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन लेफ्ट. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो इसका सिंटैक्स होता है, लेफ्ट के अंदर हम एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एज अ फर्स्ट इनपुट यहाँ पे पास करेंगे द वर्ड स्ट्रिंग, मतलब सॉरी स्ट्रिंग पास करेंगे, एनीथिंग दैट इज एनक्लोज्ड इन आइदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स. एंड एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट वी आर गोइंग टू टाइप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यहाँ पर मैंने इसको फिर लिया सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा हमने यहाँ पर, देन वी आर राइटिंग लेफ्ट हियर. और इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में फर्स्ट स्ट्रिंग पास किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से कॉमा साइन लगाया, देन मैंने यहाँ पे लिखा 4. सो व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू, ये आपकी स्ट्रिंग में से चार कैरेक्टर्स जो है आगे से लेफ्ट की तरफ से बाहर निकालेगा. तो हमारे केस में दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर एंड फोर्थ कैरेक्टर. तो जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया तो इस स्ट्रिंग में से ए बी सी डी चार कैरेक्टर बाहर निकल कर आ गए. मुझे अगर लेफ्ट की तरफ से 6 कैरेक्टर्स बाहर निकालने हैं, देन आई विल पास 6 ऑन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. तो देखिए 6 कैरेक्टर्स बाहर निकल के आ गए हैं. अब अगर मैं यही फंक्शन किसी टेबल के साथ यूज करती हूँ, तो अगेन आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द सेम टेबल दैट इज प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर कॉलम का नाम देना है, सो आई एम स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द कॉलम एज पी नेम. और मैंने यहाँ पर 3 ले लिया है, और क्योंकि pnm कॉलम बिलोंग करता है प्रोडक्ट्स टेबल को, सो आई एम राइटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स. और मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया, तो आप देखिए मेरा जो प्रोडक्ट नेम कॉलम है उसमें से पहले 3 कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, pen 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 era era. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंपनी पास कर देती हूँ, तो कंपनी के अंदर जितनी भी रोज हैं हर वैल्यू के 3 कैरेक्टर्स बाहर निकल कर आ जाएंगे, net, dom, aps, aps, rot, like this. So this is the way function left is going to work for us. Then again same example with it. अगर मैं यहाँ पे कोई constant string pass करती थी, मैंने यहाँ पे कोई constant string pass कर दी, मैंने यहाँ पे pass कर दिया भारत, और यहाँ पर मैंने 3 characters pass कर दिए, and enter की press किया, तो constant string bharat के अंदर से बी एच ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स जितनी नंबर ऑफ रोज आपकी टेबल में है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा. सो दिस इज द लेफ्ट फंक्शन. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज राइट फंक्शन, रिवर्स ऑफ लेफ्ट फंक्शन. इट विल एक्सट्रैक्ट गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. सिंटैक्स इज सेम, लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा. एंड सेम एग्जाम्पल्स, अगर मैं इन एग्जाम्पल्स में चेंजेस करती हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, इफ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस लेफ्ट विद राइट, तो बी एच ए स्ट्रिंग में से पीछे के 3 कैरेक्टर बाहर आएंगे, दैट इज आर ए टी. इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मैंने कंपनी लिया और कंपनी में लास्ट के 3 कैरेक्टर्स मुझे बाहर निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर आई जी एच टी राइट, पीछे से 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे. एंड इन द सेम वे अगर मेरे पास एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग है, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है, और इसमें से मुझे पीछे से 4 कैरेक्टर्स बाहर निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने राइट फंक्शन का कुछ इस तरह से यूज किया. तो आप देखिए इस स्ट्रिंग में से पीछे के 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको बाहर मिल जाएंगे. सो दिस इज योर राइट फंक्शन. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड एज मिड फंक्शन और सबेस्टिया फंक्शन. मिड फंक्शन और सबेस्टिया फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग. कैसे काम करेगा, बीच में से वैल्यूज निकालता है, और इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह से जाता है. इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ लिखा नहीं था, तो इस सिंटेक्स विल बी मेड, ब्रैकेट होगा,
सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें से हमें कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। देन वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द पोजीशन, किस पोजीशन से निकालना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बाहर निकालना है। तो स्ट्रिंग आएगा नंबर ऑफ, देन द पोजीशन एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये इस तरह से यहाँ पर काम करेगा। तो दिस इज कंसीडर्ड एज मिड फंक्शन और सब एसटीआर। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं विद सेम एग्जांपल्स। ये मेरे पास राइट फंक्शन मैंने यूज किया था, मैंने यहाँ पर मिड ले लिया है। अब नाउ विद मिड फंक्शन, दिस इज द गिवन स्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच, और मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग में से थर्ड पोजिशन से चार कैरेक्टर बाहर निकालना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ दिया 3.4, 3.4 मतलब थर्ड पोजीशन से चार कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रिंग है इसमें दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, और थर्ड से कितने कैरेक्टर हम काउंट करेंगे, चार, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपको स्ट्रिंग के मिड पार्ट में से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है तो इस फंक्शन का यूज करेंगे, मिड फंक्शन। इसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के साथ चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड कंपनी ले लिया है और मैंने यहाँ पर राइट को रिप्लेस किया मिड से, कंपनी मेरा कॉलम का नाम है और पोजीशन मैंने यहाँ पर ले ली है 2.3। तो सेकंड पोजीशन में से तीन तीन कैरेक्टर बाहर निकल जाएंगे, दैट वॉज नटराज, डोम्स, अप्सरा। तो उन सब में से सेकंड पोजीशन से तीन तीन कैरेक्टर बाहर एक्सट्रैक्ट होकर आ गए। So this is the way mid function will be executed. Then the next function in the category of string functions is the concat function. Concat function शब्द से समझ में आ रहा है, multiple strings को जोड़ने का काम करता है। So it is used to join multiple strings. कैसे काम करेगा इसको भी check कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो हमने यहाँ पर select use किया, then I am using concat, और यहाँ पर मैंने my लिखा, कॉमा लगाया और फाइल मैंने यहाँ दो वर्ड्स दे दिए माय फाइल, और जब इसका आउटपुट देखेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल वर्ड। आप दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स भी यहाँ ले सकते हैं इन माय एसक्यूएल, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया, तीन वर्ड्स तीनों सिंगल बनकर जो है यहाँ पे एज अ सिंगल वर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कॉन्केट फंक्शन मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। इसको हम टेबल के साथ यूज कर लेते हैं। टेबल के साथ जब इसका यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ पासिंग अ कांस्टेंट स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू पास कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स ले लिए हैं, पी नेम एंड देन आई एम टेकिंग कॉस्ट। दोनों कॉलम चूंकि टेबल प्रोडक्ट्स के हैं, देन आई एम गोइंग टू मेंशन नेम ऑफ द टेबल। एंटर की प्रेस किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे पेंसिल के साथ 40 ऐड हो गया, थर्ड पेंसिल के साथ 30 ऐड हो गया। तो प्राइस इज एडेड टू द प्रोडक्ट नेम कॉलम विद द कॉन्केट फंक्शन। So concat function is used to join multiple strings. After concat we have the function as length function. Length function जो है total number of characters किसी string में count करता है, या as an argument string लेता है और return में आपको number देता है। Again we are going to execute it. तो मैंने यहाँ पर फिर से upper arrow की से पुराने commands लिए and मेरे पास ये commands आ गए हैं। इसमें हम सिर्फ एक string pass करते हैं length function के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा select len GTH length, press enter key. तो देखिए इसने यहाँ पे स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आई एम गेटिंग रिजल्ट एज 8। तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। सेम कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद टेबल्स ऑल्सो। तो हम यहाँ पे टेबल में जाते हैं और इसको मैं अपर एरो की प्रेस कर देती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ टेबल्स कॉलम। तो मैंने यहाँ पे कंपनी कॉलम ले लिया है और मैंने यहाँ पे लिखा एलियन जीटीएच लेंथ, एंटर की प्रेस किया। अब आप देखिए जो फर्स्ट कंपनी थी दैट वाज नटराज, 6 कैरेक्टर्स थे, फिर डूम्स थी, 4 कैरेक्टर थे, अप्सरा अप्सरा में 6 कैरेक्टर हो गए, एंड द लास्ट वन वाज रोटोमैक। तो यहाँ पे ये 7 प्रिंट कर रहा है। तो उसने हर एक वैल्यू का टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो है काउंट करके आपको रिटर्न किया, दैट इज द लेंथ फंक्शन। एक और चीज़ में बता रही थी, वी कैन यूज फंक्शंस इन नेस्टिंग फॉर्म ऑल्सो। जैसे मेरे पास कॉन्केट है और कॉन्केट में मैंने पीनेम और कॉस्ट को कॉन्केट किया था, और इफ यू आई वांट टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ इट, तो हम फंक्शंस को किस कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं नेस्टिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या होता है, अंदर वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है फिर बाहर वाला। तो
तो सबसे पहले तो कॉन्केटिनेशन होगा प्रोडक्ट नेम और प्राइस का, एंड देन द लेंथ विल बी कैलकुलेटेड। मैंने इसको एंटर पे प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज चेंज होकर आ रही है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज लेंथ फंक्शन। नाउ द लास्ट फंक्शन इन दिस कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस इज इनएसटीआर फंक्शन। इनएसटीआर फंक्शन में क्या होता है, हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ढूंढते हैं और जैसे ही हमें स्ट्रिंग का पोजीशन, जैसे स्ट्रिंग मिल जाता है सो वी रिटर्न इट्स पोजीशन। इन केस अगर स्ट्रिंग आपको नहीं मिलता है तो ये फंक्शन आपको जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड थर्डली अगर आपकी केस में मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं अवेलेबल स्ट्रिंग के अंदर, जैसे आप जिस स्ट्रिंग में डेटा ढूंढ रहे हैं उसमें जिस स्ट्रिंग को ढूंढा जा रहा है अगर वो मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हो जाती है तो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस सर्च किया जाता है, बाकी की अक्रेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आई हैव दिस स्ट्रिंग विथ मी, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट इन str और इसके अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया दिस इज अ, दिस इज अ बॉल। एंड मैं यहाँ पे जो वर्ड सर्च कर रही हूँ दैट इज द वर्ड इज आई इज, इसको सेमी कॉलन लगाया मैंने, एंटर की प्रेस की। तो आप देखिए यहाँ पर जब सर्चिंग स्टार्ट हुआ, ढूंढना स्टार्ट हुआ 1, 2 and 3। एट थर्ड पोजिशन वी आर गेटिंग दिस इज, जबकि यहाँ पे इसके दो अक्रेंसेस प्रेजेंट हैं, बट कंप्यूटर इज गोइंग टू रिटर्न द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑनली। सो दिस इज द वे वी कैन सर्च अ स्ट्रिंग इन टू अनदर स्ट्रिंग। और अगर स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया और पी नेम में हम कोई वर्ड सर्च करते हैं। सो फॉर removing it, this is pname, pname में कोई word search करूँगी मैं, मैंने यहाँ पे दे दिया 8, होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा वो। और यहाँ मैंने लिखा in str और इसमें मेरे पास एक ये पीछे का packet extra, enter की press किया, my string is not at all present over there। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा शब्द ढूंढती हूँ, मैंने यहाँ पे ढूंढा en, तो आई थिंक en इज प्रेजेंट इन माई स्ट्रिंग। तो जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल लिया था वहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। सो दिस इज द वे इनएसटीआर फंक्शन वर्क्स ओवर हियर। सो ये सारे फंक्शंस जो थे ये सब स्ट्रिंग फंक्शंस थे। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द न्यूमेरिक फंक्शंस। सो लेट्स बिगिन विद न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर जो पहला फंक्शन है दैट इज एसक्यूआरटी फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस नंबर्स को प्रोसेस करने का काम करते हैं। एसक्यूआरटी फंक्शन नाम की तरह स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो दिस इज माई MySQL प्रॉम्प्ट, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा रिजल्ट को व्यू करने के लिए। और फंक्शन हमने यूज़ किया यहाँ पर एसक्यूआरटी, और यहाँ पर हम एज एन आर्ग्यूमेंट कोई नंबर पास करेंगे। मैंने यहाँ पे पास कर दिया 25, तो ये 25 का आपको स्क्वायर रूट निकाल लेगा। अगर इसी फंक्शन को मैं डेटाबेस के साथ यूज करती हूँ, मतलब टेबल के साथ यूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने अपर एरो की प्रेस करके ये फंक्शन फिर से कॉल कर लिया है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस थिंग विद माय टेबल। जैसे मैंने टेबल के साथ इसको लिखा तो ये फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो जितनी रोज होंगी टेबल में उतनी बार रन हुआ और इसने उतनी बार 5 को प्रिंट कर दिया। अगर आपको टेबल की किसी कॉलम का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर आप कोई न्यूमेरिक कॉलम पास कर दीजिए टेबल का, तो उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, मतलब हर रो की जो कॉस्ट है उसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज द वे एसक्यूआरटी फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। देन द सेकंड फंक्शन इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर की गिवन पावर रिटर्न करता है। MySQL दोनों ही फंक्शन को सपोर्ट करता है, POW पावर और POWER पावर को भी सपोर्ट करता है, दोनों ही फंक्शंस को सपोर्ट करेगा। इसका भी हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, देन आई एम राइटिंग पावर और मैंने यहाँ पर लिखा 9,3। अब 9,3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो जब हम 9,3 की बात यहाँ पर कर रहे हैं
तो इट मीन्स कि 9 रेस टू द पावर, दिस विल बी टर्म्ड एज 9 रेस टू द पावर, तो यहाँ पर जाकर ये 3, तो 9 रेस टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर, सो दैट विल बी 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9, ये रिजल्ट हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट एज 729। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे उसका पावर कैलकुलेट हो जाएगा। देन सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको अपनी टेबल के साथ में एग्जीक्यूट करते हैं देन यू विल बी गेटिंग रिजल्ट एज मल्टीपल टाइम्स, जितनी रोज होंगी उतनी बार रिजल्ट डिस्प्ले होगा। और अगर आपको यहाँ पर टेबल के किसी कॉलम का पावर कैलकुलेट करना है, हालांकि ऐसी सिचुएशंस बहुत कम बिल्डअप होती हैं, तो आप यहाँ पे उसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो कॉस्ट थी उसका स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द वे पावर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इन दिस रो इज द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन किसी भी नंबर का स्टेटस रिटर्न करता है, वो चेक करता है नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। और इन केस अगर आपका नंबर होता है पॉजिटिव, इफ योर नंबर इज पॉजिटिव, तो अगर आपका नंबर होता है पॉजिटिव सो इट इज गोइंग टू रिटर्न यू +1। अगर आपका नंबर होता है नेगेटिव, जो आपने फंक्शन के अंदर पास किया है, तो आपको रिजल्ट में मिलता है -1। और अगर आपने डाला होता है नंबर 0 तो आपको फंक्शन रिटर्न करता है 0 वैल्यू। तो जो रिजल्ट आता है उससे आप जज आउट कर सकते हो कि यूजर ने जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। सो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द साइन फंक्शन ओवर हियर। मैंने यहाँ पर पावर की जगह लिख लिया साइन। नाउ आई एम गोइंग टू पास अ वैल्यू ओवर हियर -56। -56 का रिजल्ट -1 आएगा, देन +56 का रिजल्ट +1 आएगा। और अगर मैंने यहाँ पास कर दिया 0 तो इट विल रिटर्न मी 0 वैल्यू। सो दिस इज माई साइन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इन दिस रो इज द मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का काम क्या होता है, तो इट डिवाइड्स टू नंबर्स, नंबर का डिवीजन करेगा। बट डिवीजन करने के बाद ही हमको क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स अस द रिमाइंडर। तो ये खासियत होती है, ये एक ऑल्टरनेट है जो पाइथन में हम मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंटेज साइन का यूज करते हैं, उसका ये ऑल्टरनेट फंक्शन है जो हमको MySQL में अवेलेबल है। तो जब भी आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट करने होते हैं, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज मॉड फंक्शन। लेट्स एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। तो यहाँ पर जाकर हमने लिखा सेलेक्ट मॉड एंड देन आई एम गोइंग टू राइट टू नंबर्स ओवर हियर। मैंने लिखा 7,4, सेमीकोलन लगाया। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम कैसे इंटरप्रिटेशन करेगा इस पर्टिकुलर चीज का। तो यहाँ पर जाकर 7 को डिवाइड किया जाएगा 4 से, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड 7/4। अब कितनी बार जाएगा, तो 4 वंजा दैट विल बी 4, और जब रिजल्ट यहाँ पर आएगा सो दैट विल बी 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, दैट इज 3। सो 3 विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। ये क्वेश्चन रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नंबर को डिवाइड तो करेगा बट क्या देगा आपको रिजल्ट में, रिमाइंडर देगा। सो दिस थिंग विल हैपन इन दिस केस। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 3। एंड अगेन अगर आप इसको टेबल के साथ यूज करेंगे देन मल्टीपल टाइम्स 3 प्रिंट होगा। आप टेबल के अंदर किसी कॉलम को किसी और कॉलम से या किसी कॉलम को किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से भी डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन फ्रेम आउट कर दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फील्ड बाय 4 एंड वी आर गोइंग टू व्यू द रिमाइंडर। तो एग्जाम में थोड़े से पेपर को टफ बनाने के लिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। तो वहाँ आपका जो कॉस्ट फील्ड है उसके अंदर ऐसा कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 0 रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज वी आर गेटिंग द रिमाइंडर ओवर हियर। सो दिस इज द वे मॉड फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। Then the next function in the row is the round function. Round function के हम काफ़ी सारे variations देखने वाले हैं। Round function क्या करता है, एक number लेता है input में और एक precision value लेता है और उस particular number को round off करता है up till the given precision. कैसे execute होगा, let's see it. इसके execution को देखने के लिए मैं यहाँ पर एक number ले लेती हूँ। मैंने लिया select
round and I am taking some number over here. मैंने यहाँ पे लिखा 2, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then comma press किया मैंने and now I am going to give a value over here. मैंने यहाँ पे 2 दिया. अब देखिए round function कैसे execute होता है. तो यहाँ पर जो round function हम use कर रहे हैं थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ. Explanation easy हो जाएगा मेरा. Yes. So this is my function over here. अब इसमें execution क्या होता है. आपके पास जो नंबर है इसमें आपने जो प्रिसीजन दिया हुआ है दैट इज 2. इसका मतलब है कि जब आपको स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले होने वाले हैं तो आपको जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसमें डेसिमल के बाद में आपको 2 डिजिट्स डिस्प्ले होंगे. तो ऑब्वियसली 2 डिजिट्स मेरी कौन सी हो गई हैं 3, 4. नाउ व्हाट राउंड फंक्शन डज, ये जहां तक आपको नंबर देखने होते हैं उसके पीछे वाली डिजिट को लेता है और इस डिजिट को वो किससे कंपेयर करेगा 5 से. अगर आपका ये जो गिवन नंबर है वो 5 से बड़ा है या वो 5 के बराबर है तो ये आगे वाली डिजिट दैट इज 4 दैट विल बी राउंडेड ऑफ. दैट विल बी राउंडेड ऑफ. कब राउंडेड ऑफ होगा, जब इसका जो नेक्स्ट डिजिट है इफ नेक्स्ट डिजिट इज मोर देन 5, मोर देन और इक्वल्स टू 5 तो ये पर्टिकुलर डिजिट राउंड ऑफ होगा टू नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर मतलब 4 के बाद 5 आता है. अगर इस जगह पर 4 की जगह पर 7 होता तो 8 पे जंप कर जाता. तो अभी हमारी सिचुएशन क्या है, आई एम हैविंग द नेक्स्ट नंबर, 4 के पीछे का जो नंबर है वो 5 है और वो 5 के बराबर है. इसका मतलब 4 राउंड ऑफ होगा. राउंड ऑफ होगा तो 4 5 पर जंप कर जाएगा. तो इस केस में हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 2567.35. तो 4 इज राउंडेड ऑफ. हाँ, इन केस अगर आपका नंबर 5 से बड़ा नहीं है, है ना, तो मैंने इसका यहाँ पे प्रिसीजन वैल्यू कर दिया 1. अब यहाँ पर देखिए प्रिसीजन वैल्यू 1 मतलब आप जो डिजिट्स देखने वाले हैं वो कितनी देखने वाले हैं. सो यू आर गोइंग टू जस्ट व्यू अ सिंगल डिजिट नंबर. सिंगल डिजिट नंबर 3 है और इसके पीछे आपके पास क्या रखा हुआ है, वी हैव 4 ओवर हियर. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंपेयर, वी आर गोइंग टू कंपेयर 4 विद 5. तो क्या 4 5 से बड़ा या उसके बराबर है, नहीं है. It's not greater. तो क्या होगा, नंबर राउंड ऑफ नहीं होगा एंड यू विल बी गेटिंग रिजल्ट एज इट इज. तो यहाँ पर आप देखिए जब आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे देन आपको यहाँ जो नंबर मिलेगा वो राउंड ऑफ होकर नहीं आएगा. नंबर राउंड ऑफ तभी होता है जब उसके पीछे वाली जो डिजिट होती है वो 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो. एक और वेरिएशन हम देखते हैं यहाँ पर. मैंने 1 की जगह यहाँ पे 0 ले लिया. 0 मतलब देयर विल बी नो डिजिट्स आफ्टर द प्रिसीजन. तो उसके इसमें क्या होगा, तो प्रिसीजन तो यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब डेसिमल के बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है. तो जब हम राउंड ऑफ के बारे में सोचते हैं तो नेक्स्ट डिजिट देखा जाएगा, दैट विल बी 3. नाउ क्या 3 5 से बड़ा है, 3 5 से बड़ा नहीं है. 3 5 से बड़ा नहीं है तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा. राउंडिंग ऑफ नहीं होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सो माई रिजल्ट विल बी 2 5 6 7 ओनली. ठीक. अब इस नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन कर देती हूँ. मैंने 3 को चेंज कर दिया 6 के अंदर. अब क्या हुआ, आपको 0 प्रिसीजन तक वैल्यू देखना है, मींस यू डोंट वांट टू सी एनी ऑफ द नंबर्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस. बट चूंकि राउंड फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो राउंड फंक्शन क्या करता है, अगली डिजिट को चेक करता है. तो हमारी जो अगली डिजिट यहाँ पे रखी हुई है वो क्या है, 6 है एंड 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. चूंकि ट्रू हो गया तो ये जो आपका 7 है दैट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट डिजिट दैट इज ऑन टू 8. तो ये 8 पे राउंड ऑफ हो जाएगा और आपको जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 2 5 6 8. सो लाइक दिस राउंड फंक्शन वर्क्स. अब उसके बाद में हम वर्क करेंगे माइनस 1 के साथ में. तो अब मैंने प्रिसीजन डाल दिया माइनस 1. जब आप माइनस 1 प्रिसीजन हम यहाँ पर ले लेते हैं तो माइनस 1 प्रिसीजन बेसिकली क्या करता है, तो माइनस 1 प्रिसीजन आपका जो नंबर होता है उसको राउंड ऑफ करता है नियरेस्ट 10 पर. इट इज गोइंग टू राउंड ऑफ योर नंबर टू नियरेस्ट 10. अब नियरेस्ट 10 कैसे, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है दैट इज 2 5 6 7. अच्छा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका माइनस नेगेटिव प्रिसीजन आ रहा है. इफ यू डू हैव नेगेटिव प्रिसीजन ओवर हियर, इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए ये जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स हैं
दे आर टोटली इनसिग्निफिकेंट फॉर यू. आपको उसको चेक ही नहीं करना है. आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इट शुड बी ऑन टू द नंबर बिफोर द डेसिमल. ओके, सो माई नंबर इज 2567. अब ये कौन से दो टेंस के बीच में आ रहा है? सो इट इज कमिंग इन बिटवीन. इट इज कमिंग इन बिटवीन 2560. 2560 एंड द सेकेंड टेंस वैल्यू विल बी 2570. अब 2560, 2570 का जो मिडिल वैल्यू होगा वो क्या होगा? सो दैट विल बी 2565. नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस नंबर कि ये जो मेरे पास नंबर अवेलेबल है, क्या ये नंबर 2565 से बड़ा है या इसके बराबर है? अगर ये नंबर बड़ा है और बराबर है तो हम जंप करेंगे ऑन टू द अपर लिमिट. अगर ये नंबर इससे छोटा होता तो हम जंप करते लोअर लिमिट पर. बट हमारे केस में नंबर जो है वो बड़ा है, सो वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू द अपर लिमिट एंड दैट इज 2570. तो हमारे केस में जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज 2570. तो अब यहाँ पर मैंने एंटर की प्रेस किया एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट एज 2570. सो दिस इज माई राउंड फंक्शन. अगर हमने यहाँ पर माइनस वन की जगह पर ले लिया माइनस टू, सो वेन वी आर गोइंग टू टेक इट एज माइनस टू, इस केस में क्या होगा? तो जब हम माइनस टू ले लेते हैं तो इस केस में हमारा जो नंबर है वो राउंड ऑफ तो होता है, पर कहाँ तक होता है? नियरेस्ट 100. कैसे काम करेगा देखते हैं. अगेन माई नंबर इज 2567. नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि ये जो नंबर है वो कौन से दो हंड्रेड के बीच में आता है. सो इट इज कमिंग इन बिटवीन 2500 और इसका जो अपर लिमिट का नंबर है दैट इज 2600. अब इसका जो बीच का वैल्यू होगा दैट विल बी 2500. इसका जो बीच का वैल्यू निकलेगा सो दैट विल बी 2550. अब अगर ये नंबर आपका इस नंबर से बड़ा है या फिर बराबर है तो हम जंप करेंगे अपर लिमिट पर. अगर ये बड़ा नहीं है तो हम कहाँ जंप करेंगे? लोअर लिमिट पर. बट हमारे केस में ये पर्टिकुलर नंबर बड़ा है सो वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू द हायर लिमिट. तो इसको मैंने एंटर की प्रेस किया एंड आवर रिजल्ट विल बी दिस वन. इन द सेम वे वी हैव दिस माइनस थ्री एज आवर प्रिसीजन वैल्यू. तो माइनस थ्री जो है प्रिसीजन वैल्यू, ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू राउंड ऑफ अवर नंबर टू नियरेस्ट 1000. तो यहाँ पर जो हमारा राउंडिंग ऑफ होगा दैट विल बी अप टिल नियरेस्ट 1000. तो नियरेस्ट 1000 में अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे 2567 कौन से 2000 के बीच में आता है. सो दैट विल बी इन बिटवीन 2000 एंड 2000 एंड यहाँ पर जो जाएगा दैट विल बी 3000. तो इन दो नंबर्स के बीच में आएगा. अब अगर आपका नंबर इनका जो बीच का वैल्यू है दैट इज 2500. अब अगर आपका नंबर 2500 से बड़ा है तो वो कहाँ जंप करेगा? ऑन टू द अपर लिमिट. अगर छोटा होता तो वो कहाँ जाता? लोअर लिमिट पर जाता. बट हमारे केस में पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इसकी जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा? दैट विल बी 3000. सो दिस इज 3000. सो दिस इज द वे राउंड फंक्शन इज इंटरप्रिटेड. सो दिस वॉज योर राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन का थोड़ा सा रिवर्स होता है ट्रंकेट फंक्शन. ट्रंकेट फंक्शन भी क्या करता है? डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट करता है अप टिल अ गिवन प्रिसीजन. तो जैसे राउंड फंक्शन में हम अपर लिमिट पे स्विच करते थे, यहाँ पे कभी भी अपर लिमिट पे कंट्रोल नहीं जाता, इट गोज टू लोअर लिमिट. और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, बहुत ईजिली ये हो जाता है. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो ये मैं यहाँ पर सेम एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई एम बिगनिंग विद द फर्स्ट वन जो मैंने लिया था. इस राउंड वर्ड को मैं चेंज कर देती हूँ विद ट्रंकेट. तो मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रंकेट. ट्रंकेट टू लिया तो डेसिमल प्लेस के बाद में हमको कितनी डिजिट्स देखनी है. सो वी हैव टू सी टू डिजिट्स आफ्टर द ट्रंकेट. तो बस ये दो डिजिट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी की ट्रंकेट हो जाएंगी. नो कंपेरिजन इज रिक्वायर्ड. बस जैसे आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट्स आप देखना है प्रिसीजन आ जाएगा, जितने प्रिसीजन आपको देखना है बाकी के प्रिसीजन ट्रंकेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन. इसका हम एक और वेरिएशन देखते हैं वन वाला. ये वन वाला देखिए.
तो एक डिजिट देखना है तो सिर्फ 3 आ जाएगा, नो कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड। देन आपने जीरो वाला देखा, इसमें जीरो में नो, इसको भी मैं 5 वाला लिया तो ये 6 वाला। अब यहाँ पे 67.6 है, पर ट्रंकेट फंक्शन कोई कंपैरिजन नहीं करता, वो हमेशा लोअर लिमिट पे जंप करता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम ही चेंज नहीं किया, इंस्टेड ऑफ राउंड आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ ट्रंकेट फंक्शन। तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा आउटपुट में। यहाँ पे राउंड था तो 2568 आया, ट्रंकेट था तो 2567 आया। देन माइनस वन, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं तो माइनस वन में क्या होगा, सो इफ यू आर गोइंग टू टेक माइनस वन ओवर हियर, माइनस वन लिया, राउंड को मैंने चेंज किया ट्रंकेट में, एंड अगर मैं यहाँ पर अभी एंटर की प्रेस करूँगी तो अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा यहाँ पर, तो आप हम यहाँ पर हम चेक करेंगे तो माइनस वन है, तो ये कहाँ तक जो है वो ट्रंकेट करेगा, तो नियरेस्ट टेंस तक करेगा। नियरेस्ट टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो 2567 कौन से दो टेंस के बीच में आता है, तो इट कम्स बिटवीन 2560 एंड देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लिमिट इज, अपर लिमिट इज 2570। इसका जो बीच का वैल्यू, अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, बस ये दो टेंस के बीच में आता है, तो ये जो नंबर है ये क्या है कैसा है हमको उस पर कोई फोकस नहीं करना है। ट्रंकेट फंक्शन हमेशा इसको कहाँ पर जंप करवाएगा, ऑन टू द लोअर लिमिट। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इट इज गोइंग टू जंप अस ऑन टू द लोअर लिमिट ऑफ द कंटेन। ऐसे हम यहाँ पर अगर माइनस टू को देख लेते हैं तो ये नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करवाएगा, बट दैट इज गोइंग टू जंप ऑन टू द लोअर लिमिट। तो ये यहाँ पर आया मेरे पास और इसको मैंने एंटर की प्रेस किया, तो नियरेस्ट 100, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो नंबर है यहाँ पर, यहाँ पे जो मेरा नंबर है दैट इज 2567, ये कौन से 100 के बीच में आने वाला है, तो इट इज गोइंग टू कम इन बिटवीन 2500 एंड 2600, तो ये लोअर लिमिट पर जाएगा, तो इसमें जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है दैट इज 2500। एंड इन द सेम वे वी हैव दिस माइनस 3, तो मैंने यहाँ माइनस 3 लिया, राउंड को भी चेंज कर देती हूँ ट्रंकेट में, अभी नियरेस्ट 1000 पे जो है राउंड ऑफ होगा। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की, तो हमारा जो नियरेस्ट 1000 वाला नंबर है दैट इज 2567, इट कम्स इन बिटवीन, कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, 1000 की कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो इट विल कम बिटवीन 2500 एंड 2600, सॉरी ये आएगा 2000, सो दैट विल 2567, इट कम्स बिटवीन 2000 एंड 3000। तो ये कहाँ जंप करेगा, इट इज गोइंग टू जंप ऑन टू द लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट का इसका जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं, इसको मैंने एंटर की प्रेस किया, सो वी आर गेटिंग इट एज 3 2000। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग ओवर हियर। सो दिस वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रंकेट फंक्शन। तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिक फंक्शन, 6 न्यूमेरिक फंक्शन हमारे सिलेबस में, सो दे आर फिनिश्ड। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज डेट एंड टाइम फंक्शंस। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्रोसेस डेट एंड टाइम। पहला फंक्शन होता है कर डेट फंक्शन। कर डेट फंक्शन आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो भी करंट डेट होता है उसको रिटर्न करता है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ये टाइम रिटर्न नहीं करेगा, इट इज प्रिंटेड इनकरेक्टली, सो डोंट गो ऑन दिस। इट इज जस्ट गोइंग टू प्रिंट सिस्टम्स करंट डेट। ओके, तो ये सिस्टम की करंट डेट आपको निकाल के देगा। कैसे देगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल होता है इसका एग्जीक्यूशन, इट डजंट टेक्स एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सिस्टम से निकालता है, तो कर डेट हम यहाँ लिखेंगे एंड जैसे हम इसको एंटर की प्रेस करेंगे सो वी विल बी गेटिंग टूडेज डेट। सेकेंड फंक्शन इज द डेट फंक्शन। डेट फंक्शन बेसिकली डेट और टाइम में से आपको डेट पार्ट बाहर निकाल कर देता है। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कमांड लिखा टू डिस्प्ले द कंटेंट, यहाँ पर हमने डेट लिखा। डेट देने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज करके कॉन्स्टेंट डेट दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2010/12/03, मतलब 30 दिसंबर 2010, और मैं यहाँ कुछ टाइम ले लेती हूँ। मैंने यहाँ लिखा 10:40 और 20 सेकेंड, दिस इज माई टाइम ओवर है। इसको सेमी कॉलन लगाया हमने और एंटर की प्रेस की। अभी जो पूरा डेट एंड टाइम मैंने यहाँ पे लिया था उसमें से मुझे डेट फंक्शन ने सिर्फ और सिर्फ डेट बाहर निकाल कर दे दिया है, तो सिर्फ इतना सा जो डेट पार्ट है।
जब हम नॉर्मल रियल लाइफ में जब हम डेट वर्ड बोलते हैं तो डेट जनरली कैसा होता है, जैसे मैंने कहा आज की क्या डेट है, तो आपका आंसर आएगा मैम 30 तारीख है। पर जब हम MySQL या कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स में जब भी हम डेट वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो डेट का मतलब होता है डे, कॉम्बिनेशन ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। तो ये पूरा के पूरा पार्ट जो रहता है दैट इज कंसीडर्ड एज डेट पार्ट। तो डेट और टाइम इज इसने डेट को बाहर निकाल दिया। सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ डेट फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ईयर फंक्शन। अब सेम कॉन्सेप्ट होगा, मैंने यहाँ पर डेट एंड टाइम स्पेसिफाई किया एंड इफ आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस ईयर फंक्शन। सो व्हाट दिस ईयर फंक्शन विल डू, ये पूरे डेट एंड टाइम या फिर डेट में से ईयर पार्ट को अलग कर लेगा। तो जैसे हमने यहाँ एंटर की प्रेस किया तो ईयर पार्ट इज एक्सट्रैक्टेड। इन द सेम वे वी हैव द मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मंथ पार्ट फ्रॉम गिवन डेट एंड टाइम। तो मंथ यहाँ पर हमारा क्या है, दैट इज 12, इट विल कम आउट। सेम वे अगर आपको डे निकालना है कि कौन सा दिन है इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, सो अवर फंक्शन इज डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ हमने यहाँ निकाला, सो दैट वॉज 3rd डे ऑफ द मंथ लाइक दिस। अगर मैं आज की डेट का निकालना चाहती हूँ कि वॉट्स डे ऑफ मंथ टूडे, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कर डेट आज की डेट निकालेगा और उसमें से मंथ बाहर निकल जाएगा, सॉरी डेट बाहर निकल जाएगा। सो टुडे इज द 30th डे ऑफ द मंथ। सो लाइक दिस इट विल बी एक्सट्रैक्टेड। अगर आपको वीक डे पता करना है, मतलब आज कौन सा दिन है, सप्ताह का कौन सा दिन है, तो उसके लिए फंक्शन होता है डे ऑफ वीक। सो डे ऑफ वीक फंक्शन इज गोइंग टू टेक आउट द वीक डे, मतलब आज दिन का कौन सा, सप्ताह का कौन सा दिन है। सो डे ऑफ वीक हमने यहाँ लिखा, तो दैट इज द 6th डे। काउंटिंग कैसा हो रहा है, 1 इज असाइन टू संडे, 2 इज असाइन टू मंडे, 3 इज असाइन टू ट्यूजडे, 4 इज असाइन टू वेनसडे, 5 इज असाइन टू थर्सडे एंड 6 इज असाइन टू फ्राइडे। सो टुडे इज द फ्राइडे, 6th डे ऑफ द वीक। ऐसी एक और फंक्शन होता है दैट इज नोन एज वीक डे फंक्शन। ये वीक डे फंक्शन क्या करता है, सैटरडे संडे छुट्टी मान के चलता है एंड फ्रॉम देयर इट कैलकुलेट्स। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे मंडे को जीरो असाइन किया जाता है। तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस कि आज जैसे फ्राइडे है तो मंडे को जीरो असाइन हुआ है, ट्यूजडे को 1 असाइन हुआ है, वेनसडे को 3 असाइन हुआ है, सॉरी 0 इज गिवन टू मंडे, ट्यूजडे को 1 हुआ है, वेनसडे को 2 हुआ है, थर्सडे को 3 हुआ है, फ्राइडे इज असाइंड एज 4। तो वीक डे फंक्शन एंड डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक मतलब सप्ताह का कौन सा दिन है और वीक डे मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे मंडे इज असाइंड एज 0। देन द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज, अगर आपको सप्ताह के दिन को कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करना हो, सो वी हैव द फंक्शन एज डे नेम फंक्शन। डे नेम फंक्शन आपके सप्ताह के दिन को कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट करेगा, दैट इज फ्राइडे। इन द सेम वे वी हैव टू मोर फंक्शंस ओवर हियर, नाउ एंड सिस डे। जैसे कर डेट फंक्शन आपको सिर्फ डेट निकाल के देता है कंप्यूटर की, इन द सेम वे इफ यू वांट टू गेट सिस्टम्स करंट डेट एंड टाइम, सो वी विल बी हैविंग, वी आर हैविंग टू फंक्शंस फॉर दैट पर्पस। द नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन गिव्स यू सिस्टम्स करंट डेट एंड टाइम। इन द सेम वे वी डू हैव अनदर फंक्शन एज सिस डेट, ये भी आपको यही चीज देता है, सिस्टम्स करंट डेट एंड टाइम। अब चूंकि दोनों फंक्शंस में सिमिलरिटीज होती हैं, वी डू हैव सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन दिस फंक्शंस। क्या डिफरेंस होता है, ये जो नाउ फंक्शन आपके पास होता है ये आपको वो टाइम रिटर्न करता है जब फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो इट रिटर्न्स टाइम एट विच फंक्शन स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। मतलब सपोज मैंने 10:49:49 और 15 सेकंड पे एग्जीक्यूशन शुरू किया और मेरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में 4 सेकंड लगे, ये तो 0.04 सेकंड है, बट बाय चांस इसको 4 सेकंड लगे, मतलब मेरे फंक्शन ने एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट किया, 15+4 दैट इज 19, उसने 19 सेकंड में कंप्लीट किया। बट ये रिटर्न आपको क्या करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू 15, जब इसने एग्जीक्यूशन शुरू किया था तब का टाइम ये रिटर्न करेगा। एंड इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट सिस डेट फंक्शन, तो ये कब का टाइम रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स द टाइम एट विच फंक्शन फिनिशेस फंक्शन
finishes its execution. Again example के लिए अगर मैंने 10:50 और 25 सेकंड पे execution शुरू किया है और उसको 4 सेकंड लगे execute होने में, तो execute होते होते वो 29 तक पहुंच जाएगा, 29 तक पहुंच जाएगा execution, तो कितने सेकंड रिटर्न करेगा मुझे? 29 सेकंड. So this is the basic difference between now function and sysdate function. So here functions chapter is finished. तो बाकी के content के लिए बने रहिए मेरे साथ इस channel पर. Thank you.